जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 के चलते बहुत सी भर्तियां पोस्टपोन कर दी गई है, और जो आपके जो पेपर भी थे जो मई में होना था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। मई में आपके जो पेपर भी होना था और जो भर्तियाँ भी होनी थी वो सभी को पोस्टपोन कर दिया गया है, और रोज़ उसकी जैसे ही न्यू डेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि उसके पेपर और आपकी भर्ती कहाँ होना है करके। साथियों, आपकी मई में जिन जिन लोगों की राज्यों की भर्ती थी तो आप वो कैंसिल समझिए, वो भर्ती अभी नहीं होना है। जैसे ही नई डेट आएगी तभी आपकी भर्तियाँ होना है, बट मई में आपकी कोई भी भर्तियाँ नहीं होना है। तो अभी जो भर्ती कैंसिल हुई है मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि जो मेरठ का जो नोटिफिकेशन आया था कि आपको मई में भर्ती होना है करके, वो कैंसिल कर दिया गया है। उसको साथियों एम्प्लॉयमेंट पेपर के माध्यम से आपको बताया गया है कि आपकी जो भर्तियां कैंसिल हुई है करके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो भर्ती कैंसिल हुई है या नहीं हुई है। साथियों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर आपको बताया गया था कि 12 मई को होने वाली सेना भर्ती स्थगित कर दी गई है करके, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये अमर उजाला में आया था, अमर उजाला का पेपर है भी। और ये मेरठ की जो भर्ती आपकी निकली हुई थी वो आपकी पोस्टपोन कर दी गई है, ठीक है। साथियों, 12 मई से 31 मई तक मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्टेडियम में आपकी भर्ती आयोजित की गई थी, ये भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए लगभग 1 लाख युवाओं ने इसके लिए अपना पंजीकरण कर लिया था। इसमें साथियों कौन कौन से ज़िले शामिल थे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके ज़िले शामिल थे सरहानपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़। इतने सारे ज़िले इसमें इंक्लूड थे साथियों। तो आपकी ये भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। साथियों, सेना भर्ती कार्यालय से आधिकारिक तौर पर बयान जारी सूचना दी गई है, ठीक है। तो साथियों, ये कोविड के चलते आपकी भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे ही यदि कोविड थोड़ा बहुत कम होता है या फिर इसका असर कम हो जाएगा, जैसे कि पिछले साल जैसे ही लॉकडाउन खुला था तो आपकी भर्ती देखने को मिल गई थी, यदि कोविड को कंट्रोल किया जाएगा तो आपको जो भर्ती फिर से देखने को मिल जाएगी। तब तक आप भर्ती नहीं देख पाओगे, जब तक आपका कोरोना ये काल चल रहा है तब तक आपकी पूरी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है, ठीक है साथियों। चाहे वो पेपर हो, चाहे आर्मी के हो या कोई भी पेपर हो, आपको कोई भी पेपर देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। साथियों, जैसे ही कोई नई डेट मुझे आप मिलती है कि आपका पेपर होने वाले हैं या फिर आपकी भर्ती आने वाली है करके, तो मैं आपको इसकी एटीट्यूड जानकारी दे दूंगा, ठीक है साथियों। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथियों बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे। तो साथियों, जैसे ही कोई रैली भर्ती की डेट आती है या फिर आपके कोई भी पेपर की डेट आती है तो मैं उसके बारे में न्यू वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जय हिंद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।